हमारे YouTube चैनल द गेमिंग बीस चेक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने Android डिवाइस में लास्ट जॉन अर्थ सर्वाइवल का मोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, दो लिंक दे दिए हैं, एक APK का लिंक है और एक OBB का लिंक है। आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको गेम को अच्छे से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको गेम को सही से इंस्टॉल करना नहीं आता OBB के साथ तो फिर वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता तो फिर वीडियो को अच्छे से देखें और ध्यान से देखें और कहीं से भी स्किप ना करें। तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने जेड अचीवर में। आप चाहें तो सेम काम अपने फोन के फाइल मैनेजर या किसी और ऐप से भी कर सकते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। आपको डाउनलोड करने पे ये दो फाइल मिलेंगी। APK का साइज़ है 43.43 MB और OBB का साइज़ है 121.41 MB। आपको इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हम APK को इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए आपको APK को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले दबाना है यहाँ पर, फिर फर्स्ट ऑप्शन ओपन पे दबा देना है। अब यहाँ पे आप इंस्टॉल पे दबा दें और हमारी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी फाइल डाउनलोड करने में दिक्कत आए तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको बैक आ जाना है। हम अब दोबारा आ चुके हैं जेड अचीवर में। अब आपको इस वाली फाइल के ऊपर एक बार दबाना है, ये वाली फाइल के ऊपर। अब एक्सट्रैक्ट पे दबा देना है, एक्सट्रैक्ट लास्ट थर्ड ऑप्शन। अब आपको यहाँ दबाना है जहाँ पे हमारे फोल्डर का नाम लिखा है डाउनलोड। डिवाइस मेमोरी में जाना है आपको, जाएं एंड्रॉइड फोल्डर, OBB फोल्डर और यहाँ पे लाके से यहाँ पे पेस्ट कर दें। जहाँ पे जो नीचे एरो का ऑप्शन बना है आपको वहाँ पे दबा देंगे। अगर आपको OBB का फोल्डर नहीं बना है तो फिर आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं OBB। अब हमारे देखिए यहाँ पे हमारे APK की फ़ोटो आ चुकी है, छोटी सी इमेज, यानी कि अभी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको इसका गेम प्ले दिखाता हूँ गेम को ऑन करके। तो चलिए मैं अभी यहाँ से मैं आपको सीधा गेम प्ले दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने गेम में। मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें पहले ले ली ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और देखिए जब आप शुरू में आएंगे तब आपके पास कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको मोड के फीचर्स बताता हूँ। पहला फीचर बताता हूँ आपको, आपके पास देखिए जैसी ये चीज़ है कुछ भी है, हम लकड़ी को ले लेते हैं। आप ये स्प्लिट पे दबाएं, स्प्लिट पे दबाने से आप इसकी जितनी चाहे इतनी कॉपीज बना सकते हैं। और आपको एक चीज़ है तो फिर उसके लिए दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपग्रेड करेंगे या कुछ लगाएंगे, जैसे आप बाइक बना रहे हैं, तो फिर आपको उसके लिए असली चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो फिर आप उसके लिए स्प्लिट कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है कि अब आपको यहाँ पे जाना है जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला। अब आपको जाना है ट्रांसपोर्ट पे। अब आप यहाँ से ये गैस कैन को ख़रीद लें, इससे आपके पैसे बढ़ेंगे बल्कि घटेंगे नहीं। आप जितना चाहे उतना बाय करें और इससे आपके पैसे बढ़ते रहेंगे जो आप किसी जगह पे जाएंगे। तो गलती से मैं रिपेयर किट पर दब गया, इसे कैंसिल हो गया ये। आप इसे ख़रीद लें, इससे आपके पैसे बढ़ जाएंगे। जब आप किसी चीज़ को होने में टाइम लगता है तो फिर आप पैसे दे के जल्दी से कर सकते हैं। और अगर आपको भाग के जाना है, आपकी स्पीड तो एनर्जी ख़त्म है, तब भी आप पैसे दे सकते हैं। इससे ऐसे करके आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको अपना घर अपग्रेड करना है तो फिर आपको इस पर दबाना है। और घर को अपग्रेड करने के लिए आपको लकड़ियाँ चाहिए होंगी। लकड़ियों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी मेरे पास तो लकड़ियाँ हैं, मैं आपको डिलीट करके बताता हूँ। देखिए अभी हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है, तब भी हम बना सकते हैं। देखिए
आप कुछ भी बना सकते हैं, हमारे पास लकड़ियाँ हो या ना हो सारा कुछ बना सकते हैं इसमें। आप इसके अंदर अपने मनपसंद का घर बना सकते हैं, दीवारों को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा यहाँ पे दबाना है और अपग्रेड पे कर देना है। अभी अपग्रेड नहीं आया क्योंकि इसका बेस अपग्रेडेड नहीं है, सॉरी। इसे आपको सबसे पहले अपना बेस अपग्रेड करना होगा। इसके लिए बेस अपग्रेड हो गया, अब आप दीवार को अपग्रेड कर लें। देखिए अब हमारी दीवार भी अपग्रेड हो गई है। अब आपको ये सेंटर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आप जो चाहे वो बना सकते हैं, ज़्यादातर चीज़ें बना सकते हैं, सारी नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे ऐसे जाएँ, ये एक नई चीज़ आई है क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। यहाँ पे आप जो चाहें वो क्राफ्ट कर सकते हैं, आपके पास पूरा सामान हो या ना हो इसे क्राफ्ट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये सामान नहीं है, फिर भी हो गया क्राफ्ट। अभी फर्नीचर में जाके इसे लगा सकते हैं, इसके लिए यहाँ लग जाएगा, हाँ यहाँ पे लग रही है। आप इसे भी जितने चाहे उतने बना सकते हैं इसके जैसे, यहाँ से आप अपना करेक्टर कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये नई चीज़ आई है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। आप अपना करेक्टर का नाम रख सकते हैं, या आप एक ही लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Damn.